Welcome to E18 Telangana News. Ramadan in lockdown explained in detail by Hafiz Qazi Muhammad Ali, how to perform prayers and importance of Ramadan and appeals to public to perform prayers at home with family member. E18 Telangana News Bureau. माह रमज़ान मुबारक हमारे और आपके बहुत करीब है और हम रमज़ान मुबारक में दाखिल होने जा रहे हैं। इस वक्त रमज़ान मुबारक एक मुनफरिद तौर पर अल्लाह ताला ने गुजारने का एक बेहतरीन मौका दिया है, वो ये अपने आमाल को इंतजारी तौर पर अंजाम दे, अपने घर में अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ माह रमज़ान मुबारक और फ़र्ज नमाज़ों, नमाज तहज्जुद, नमाज तरावी का अहतमाम करने का बेहतरीन मौका मिला है। इस वक्त बड़ी अहम बात और बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये रह जाता है, माह रमज़ान मुबारक में मसाजिद में इंतज़ाम होता है और मसाजिद से बेहतरीन अंदाज में जुड़ जाते हैं और हमारे एक्टिविटीज़ बेहतरीन अंदाज में अच्छे इबादतों के साथ, तमाम नमाजों के साथ, नमाज तहज्जुद और नमाज फ़र्ज और माह रमज़ान मुबारक बेहतरीन अंदाज में तमाम इबादतों के साथ बेहतरीन अंदाज में हमारा रमज़ान गुजर जाता है। इस वक्त हमें अपना प्रोग्राम आप बनाना है, हमारे घर का नज़्म हमें चलाना है, 30 दिन तक मुकम्मल नज़्म व नफ़्त के साथ, इबादतों के साथ बेहतरीन अंदाज में शामिल हो जाना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, मस्जिद गौसिया विद्यानगर मुस्लिम लाइन में काफ़ी तादाद में लोग नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद और फजर के बाद बेहतरीन अंदाज में मुख्तसर तस्वीर होती थी और जुमा के दिन माशाअल्लाह हैदराबाद के मशहूर व मारूफ हज़रत मौलाना हाफिज़ बुखारी मोहम्मद इब्राहिम हमीदी साहब, जो कि मस्जिद गौसिया के खतीब साहब है, बयान होता था खुसूसी और काफ़ी तादाद में बयान सुनने आते थे लोग इस माहौल से लोग जुड़े हुए थे और बहुत खुश थे। अब इस मौके से तमाम मुसल्लियों से गुजारिश भी थी, अरे की तड़प भी थी, जब मस्जिद को नहीं आ सके तो फिर करना क्या है। नमाज तरावी के इंतज़ाम मसाजिद में करने से उलमा इकराम ने मौजूदा हालात से रोक दिया है, इस लिहाज से दीगर घरों के अंदर हम नमाज तरावी का अहतमाम कर रहे हैं, लेकिन दीगर एक्टिविटीज़ हमारे ज़रूरी है कि हम इस निज़ाम से जुड़े हुए रहें, माह रमज़ान मुबारक में बेहतरीन अंदाज में इबादत करें और दुआ करें तमाम आलम मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है उसके लिए खुसूसी दुआ करें कि इस बीमारी सारे लोगों को भाग जाए इस बीमारी से। मैं आखिर में जनाब अलहाज सैयद साबिर अली साहब सदर मस्जिद गौसिया को और जनाब मोहम्मद इस्माइल बियावारी साहब जनरल सेक्रेटरी मोहतमद मस्जिद गौसिया, नायब सदर मोहम्मद तौफीक साहब और मीर उमर अली साहब और तमाम अराकीन कमेटी को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और जनाब सैयद यूनुस साहब जो मंत्री मेम्बर हैं, सीनियर लीडर हैं और मोहम्मद खलील साहब प्रेसिडेंट हैं और तमाम मुसल्लियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक की आमद पर उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और हम भी इस बात से अमल करना चाहिए कि बेहतरीन अंदाज में इबादत करना चाहिए और मैं तमाम लोगों को भी इबादत करने का इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में इबादत करना चाहिए और मैं और सबसे अदमन गुजारिश करना चाहता हूं कि माह रमज़ान मुबारक में यह मौका मिल रहा है बेहतरीन घरों में तरावी पढ़ने का, फिर और उससे अच्छा बेहतरीन मौका यह है कि नमाज तहज्जुद का अहतमाम करें आप लोग, बेहतरीन अंदाज में दुआएँ करें और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के वक्त भी दुआएं करें और मैं सबसे अदमन गुजारिश करता हूं कि भाई सब जने दुआ करें ये तमाम आलम है मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है सबको ये बीमारी भाग जाए तमाम दुनिया में, तमाम दुनिया से इस बीमारी को। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।